Hey guys, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो। तो चलिए देखें कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम सीखेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये 9 रूप कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। तो चलिए इन सभी रूपों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जानें। नवरात्रि का सबसे पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। On the first day, Ma Shailputri is worshipped. She is called the daughter of mountains and symbolizes strong willpower and courage. नवरात्रि का दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का। दरअसल ब्रह्मचारिणी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है एक समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु के साथ तथा अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहती है। वो महादेवी के 9 दुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है और उनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। एक्चुअली ब्रह्मचारिणी इज अ संस्कृत वर्ड व्हिच मींस अ डिवोटेड फीमेल स्टूडेंट who lives in an ashram with her guru along with other students. She is the second aspect of the Navdurga form of Mahadevi and is worshipped on the second day of Navratri. Navratri ka teesra din hota hai Mata Chandraghanta ka. हिंदू धर्म में माँ चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नवदुर्गा स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। चंद्रघंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है। इन हिंदुइज्म चंद्रघंटा इज द थर्ड नवदुर्गा एस्पेक्ट ऑफ गॉडेस महादेवी वर्शिप्ड ऑन द थर्ड डे ऑफ नवरात्रि। हर नेम चंद्रघंटा मीन्स वन who has a half moon shaped like a bell. Her third eye is always open to do fight against evil. नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है देवी कुष्मांडा को। माता कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और माना जाता है कि ये स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और धन और शक्ति प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियां और निधियां प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जप माला में स्थित है। एक्चुअली देवी कुष्मांडा इज वर्शिप्ड ऑन द फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि and is believed to improve health, wealth and strength. Goddess Kushmanda has 8 hands and hence she is also known as Ashtabhuja Devi. It is believed that all the power to provide siddhis and wealth resides in her chanting rosary. न
नवरात्रि का पांचवा दिन है स्कंद माता का। दरअसल स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा रूप है और इनकी पूजा नवरात्रि के पांचवें दिन की जाती है। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला स्कंद जो भगवान कार्तिकेय का एक वैकल्पिक नाम है और दूसरा माता जिसका अर्थ है माँ। Skand Mata is the fifth form of goddess Durga and is worshipped on the fifth day of Navratri. Her name is made up of two words, first Skand, which is an alternate name of Lord Kartikeya, and the second Mata, which means mother. नवरात्रि का छठा दिन है माता कात्यायनी का। इनकी चार भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल हैं। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। एक्चुअली इन हर फोर आर्म्स देर आर लॉट ऑफ वेपन एंड Lotus. Her vehicle is lion. She is the presiding goddess of Brajmandal. Gopis worshipped her to attain Krishna. Her worship is perfect for marriage related matters. Navratri ka saatva din samarpit hai maa kalratri ko. माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। नवरात्रि का आठवां दिन है माता महागौरी का। महागौरी हिंदू देवी नवदुर्गा के स्वरूपों का आठवां रूप है। नवरात्रि के आठवें दिन उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। महागौरी इज द एथ फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉडेस नवदुर्गा। शी इज वर्शिप्ड ऑन द एथ डे ऑफ नवरात्रि। According to Hindu religion, Mahagauri has the power to fulfill all the wishes of her devotees. ये है नवरात्रि का आखिरी दिन जो है माता सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा की नौवीं रूप है। इनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि और दात्री। सिद्धि का मतलब है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता और दात्री का मतलब है देने वाली। माँ सिद्धि दात्री इज अ नाइन्थ फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। हर नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स सिद्धि एंड दात्री। सिद्धि मीन्स सुपर नेचुरल पावर और एबिलिटी टू मेडिटेट and Datri means giver. Navratri ke is shubh avsar par is video ko bahut sare likes dein aur comment section mein Jai Mata Di zarur likhein.